हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द केपीके क्लैश। और तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि एक न्यू इवेंट हमारा आया है, तो उसके बारे में मैं आपको सभी डिटेल देने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे एक हेलमेट भी यहाँ से मिल चुका है, तो इसको जो है हम जाके अपनी मेल जो है जाके इसको कलेक्ट कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह हेलमेट हमको मिला है। ये जो हेलमेट है हमें परमानेंट नहीं मिला है, लेकिन आपको परमानेंट भी मिल सकता है और बहुत ही अच्छा हेलमेट है ये। इसको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं ये। ओ भाई क्या हेलमेट है यार, अगर ये परमानेंट ना भी मिले, कुछ दिनों के लिए मिले तो भी काफ़ी है। ये देखिए क्या लग रहा है यार बंदा, बहुत ही अच्छा हेलमेट है। तो ये जो हमारा न्यू इवेंट आया है यहाँ पर टाइम लिमिटेड में, ए वॉरियर जनरी, तो ये क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको सभी डिटेल देने वाला हूँ कि आपने किस तरह इसमें गिफ्ट वगैरह कलेक्ट करने हैं और इसमें आपने क्या करना है और इसमें आगे चल के क्या करना है, रोज़ाना के बेसिक पे क्या करना है, ये सभी जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देख सकते हैं सबसे पहला चैप्टर जो है इसका अनलॉक है और बाकी चैप्टर जो है इसके लॉक हैं। तो इस पर जो है हम यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे आप तो यह सबसे पहले तो जो है यहाँ पर आपको जो है हेलमेट मिल जाएगा और हेलमेट को आपने कलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ये जो है देख सकते हैं डे वन का मिशन है, लॉगिन करना है और लॉगिन हमने कर लिया है। और उसके बाद जो है आपने स्पेंड 1000 BP, तो चलिए यहाँ पर हम 1000 BP स्पेंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जाते हैं शॉप में, और शॉप में नहीं जाते हैं, हम जाते हैं क्रेट्स में, और क्रेट में जाके हम सोल्जर क्रेट ओपन करते हैं। ओके, और अगेन कर लेते हैं एक बार। ओके, अब हम दोबारा जो है यहाँ पर इवेंट में आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर एक देख सकते हैं हमने ये मिशन कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर ये बॉक्स पे आपने क्लिक करना है तो आपको ये कहाँ पर कुछ रिवार्ड मिलेगा। देखिए यहाँ पर मुझे 3 सिल्वर मिल चुके हैं, आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं या कुछ और भी आपको मिल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसके बाद जो है कल आपको 2 और मिशन पूरे करने होंगे, और उसके बाद जो है ये फिर से आपको एक बॉक्स मिलेगा और बॉक्स में जो है फिर आपके लिए कुछ निकलेगा। और कल कौन से मिशन होंगे, किस तरह कंप्लीट करने होंगे, वो सभी जो है मैं आपको न्यू वीडियो में बता दूंगा। जो भी मिशन आएगा मैं इस चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने ये मिशन वगैरह सभी कंप्लीट करने हो तो चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं आपको जो है इसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर बता देता हूँ जिन्होंने दी हुई है यहाँ पर। तो ये इवेंट आज शुरू हुआ है 25 सितंबर से, और 15 अक्टूबर को जो है ये ख़त्म होगा, और 4 चैप्टर्स में जो है ये डिवाइड किया गया है। आपने डेली 2 मिशन कंप्लीट करने होंगे, और जब आप सारे मिशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये ड्रैगोनियन चैम्पियन मचेट ये कुछ रिवार्ड है जो आपको मिलेगा। और ये जो मिशन है EVO ग्राउंड या वार मोड में कंप्लीट नहीं हो सकेंगे, और डेली बेसिक पे जो आपको क्रेट मिलते हैं उस पर आपको जो है छोटा सा कोई गिफ्ट वगैरह मिलेगा, और चैप्टर रिवार्ड जो है वो आपको टाइम लिमिटेड के लिए आउटफिट वगैरह जो है आपको मिलेगी। और उसके बाद आपके चांसेस और भी हैं PMC फाइनल में जाने के, अगर आपको जो है यहाँ पर नाम आ जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ नाम वगैरह ये अनाउंस करेंगे रैंडमली, और जो भी लकी बंदा होगा उसको जो है ये कुछ प्राइज़ वगैरह देंगे। और बाकी भी जो है यहीं कुछ डिटेल दिखी है। प्राइस को क्लेम करने के लिए PMCO ग्रैंड ट्रैवल के लिए जो है आपकी एज जो है वो 18 से प्लस होनी चाहिए। और बाकी सभी डिटेल यहाँ पर दिए हुए कुछ ख़ास नहीं है, बाकी यहाँ पर आप पढ़ लेना। तो ये इस इवेंट की कुछ डिटेल थी, और ये मिशन जब हम कंप्लीट कर लेंगे, ये Day 3 है शायद, इसके बाद जो है Day 4 आए या ना आए इसका कुछ पता नहीं है। तो जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा, और इसी तरह हमने ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। तो इसी चैप्टर के बारे में मैं हर रोज़ इसकी मिशन की वीडियो जो है, अगर मिशन मुश्किल होंगे तो उसकी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, अगर आसान होंगे आपको समझ आएगा तो उसकी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। तो आपने अगर जानने हैं इसी तरह के इवेंट वगैरह के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।